बैठा रहा होटल भीतर। दोस्तों आज हम लोग बैठ चुके हैं फ्लाइट पे, चले इसके बाद जो देखेंगे सब वहां पर जाके दिखाएंगे। ये रहा मेरा दोस्त, कुछ बोलेंगे सर आप? कुछ बोलना है हमको? नहीं, कुछ बोलो। जो भी बोलना है बाद में बोलेंगे। दोस्तों मैं अभी कलकत्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूँ, मेरे साथ है मेरे दोस्त। हम लोग अभी फिलहाल पहुंचे हैं, अभी इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए हम लोग एंट्री करेंगे, जो अभी दिखा रहा है डिपार्चर के लिए। ये हम लोग अभी रात का डिनर भी कर चुके हैं, अभी वो भी फ्री। आप लोग अगर कभी आए तो कभी एयरपोर्ट पे तो वहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड से, तो कभी आए तो ओनली 2 रुपीज़ से आप फ्री में लंच कर सकते हैं, वो भी प्रीमियम क्वालिटी का। जो खाना चाहते हैं खाइए, इंजॉय कीजिए। 6 बजे हम लोग थाईलैंड पे लैंड कर चुके हैं, अभी उतर रहे हैं। दिखाने वाला हूँ, देखिए ये खुद ब खुद क्लीन करने वाला मशीन, क्या जबरदस्त टेक्नोलॉजी यहाँ पर लगा के रखे हुए है। देखिए ये खुद ब खुद अपने तरफ क्लीन करते जाते हुए, यहाँ पर कोई इंसान की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद आपके अपने हिसाब से क्लीन। हम लोग अभी खाना खाने के लिए निकले हैं, अभी टाइम हुआ है 1:31, अभी बैंकॉक के टाइम, जो इंडिया के टाइम है अभी कम से कम 11:30 या 12 बजे होंगे। या फिर वेदर भी आज थोड़ा ठीक नहीं है, बारिश हो रहा है। देखिए यहाँ पर छोटा छोटा स्टॉल बाइक पे लेके कुछ ना कुछ बिकते रहते हैं। हम लोग अभी बैंक पटाया के एक पंजाबी एक ढाबा में जा रहे हैं, जिसका नाम है मद्रास दरबार। वहाँ पर भेज या नॉन वेज मिलता है वहाँ पर, और भेज के लिए सामने भी एक मिलेगा, मुझे तो बोला है, अभी जाके देखते हैं। यहाँ पर भी बहुत लंबा ट्रैफिक होता है करेंसी एक्सचेंज, अगर आप लोग आइए तो यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज भी कर सकते हैं। USD INR देना है। फॉर रेंट बाइक भी आपको यहाँ पर रेंट में मिलेगा। ओपन ATM मार्केट्स। ओ सनग्लास, हम सनग्लास लो लगो। सभी यहाँ पर थाई मसाज के लिए भी बैठे हुए हैं, जो भी जो थाई मसाज के लिए भी बैठे हुए होते हैं, और वो भी हम लोग को रात में दिखाई देगा। रात बोलते हैं रंगीन, रात में यहाँ पर रंगीन दिखाई पड़ेगा, रंगीन बार। यहाँ पर सब के सब आपको वेराइटीज मसाज बार मिलेगा, और
यहाँ पर खाने का रेस्टोरेंट ऐसे भी मिलेगा, और जहाँ पर भी जाएंगे एक से बढ़कर एक कन्या मिलेगा यहाँ पर, और सब थाई मसाज करवाने के लिए सब लोग रेडी है, बैठे हुए हैं, और फॉरेनर्स भी बहुत ही आते हैं यहाँ पर। मैं और मेरा दोस्त अभी 69 शो में देखने के लिए आया हूँ। एक्चुअली दोस्तों थाईलैंड में एक ऐसा शो है 69 शो और 89 शो जो रात को स्टार्ट होता है। ये नाइट शो बहुत ही न्यूड, टोटली न्यूड शो है, तो इसमें सिर्फ लड़का ही नहीं, दुनिया भर से लड़की लोग भी आते हैं। आपको दिखाई पड़ेगा शायद मेरे वीडियो में, यहाँ पर देखिए कितना सब लड़की लोग आते हैं यहाँ पर, लेकिन अंदर में वीडियोग्राफी और मोबाइल फ़ोन नॉट अलाउड, तो यहाँ पर आप आके थाईलैंड का जो ओरिजिनल ही है वो कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, जो एक्चुअली जो नॉलेज है ना, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 69 का नज़ारा है। यहाँ पर देखेंगे कुछ थाई लड़कियाँ जो यहाँ के थाई के ड्रेस पे है, और उनके साथ फ़ोटो भी खींच सकते हैं आप लोग, लेकिन इसके लिए आप लोगों को पैसा देना पड़ेगा उन लोगों के साथ फ़ोटो खींचने के लिए। लेकिन इसके अंदर जो होता है वो टोटली न्यूड है, इसमें बच्चे का अलाउ नहीं है। तो इसका टिकट 1000 भाट है और 1500 भाट भी है। तो यहाँ पर अगर आते हैं तो एक बार ज़रूर इसमें आइए, 69 और 89 शो में आइए, तो यहाँ का नॉलेज ले सकते हैं। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि ये टोटली न्यूड है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी गंदी चीज़ दिखाई देते हैं, पर ऐसी गंदी चीज़ दिखाते हैं कि वो हम लोग कभी इंडिया में नहीं दिखा सकते। और इसको शो ये शो देखने के लिए दूर दूर से दूसरे देशों से भी लोग आते हैं। लाइटर वाटर भी फ्री है, स्ट्रीट रोड पे, जो जहाँ पर आपका स्ट्रीट रोड पैदल पैदल जाएंगे, और वहाँ का जो लोकल में आपका फास्ट फूड मिलेगा उसका भी इंजॉय लेंगे। चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये हो गया आपका देखो दोस्तों यहाँ पर ये सब चलता है। बैंकॉक में रात को अभी बज चुका है 11।